जो पिए सीमा होके बवाल। दिन रात पढ़ना है मचावो धमाल। काम पर ले थसरे टेंशन, अरे काम पर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें आप जानते हैं कोको ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें आप एमसीक्यू के माध्यम से जो आपका सीजीपीएससी का है कोर्स सिलेबस आपको पूरा कवर कराया जाएगा। इसका पहला बेनिफिट ये है कि पिछले एग्जाम के क्वेश्चंस जो पूछे हुए उसको लेते हुए अपकमिंग एग्जाम से कैसे आपके क्वेश्चंस पूछने की संभावना है उसका संग्रह होगा, और प्लस आपका जो कॉन्सेप्ट होगा हर एग्जाम में या हर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी साथ में यहाँ पर क्या होगा, कवर होगा। तो जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो टॉपिक है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले समझते हैं ब्याज किसको बोलते हैं, मतलब ब्याज मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि हम जब किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं या कोई पैसा उधार देते हैं, उसके एवज में हम जो एक्स्ट्रा मनी उसको रिटर्न करते हैं या उससे एक्स्ट्रा मनी हम जो लेते हैं उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं ब्याज। अब इस टॉपिक में जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं वो वाला है आपका है पी, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। पी जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है इसे हम कहते हैं मूलधन, इसे हम कहते हैं मूलधन, वह पैसा जो उधार लिया गया है या उधार दिया गया है। फिर बात आएगा टी, टी मतलब यहाँ पर क्या होता है, समय। टी मतलब टाइम, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, समय। जो समय आपका होगा वो तीन रूप में देगा। पहला आपको समय डायरेक्टली आपको वर्षों में देगा, दूसरा समय आपको यहाँ पर क्या देगा, मंथ्स में देगा, माह में देगा, और तीसरा जो आपको देगा वो आपको डेज में देगा। ठीक, बेसिकली आपको ईयर्स में देता है, लेकिन अगर क्वेश्चंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने बोले तो वो आपको मंथ्स में, और कॉम्प्लिकेट करने बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेज में आपको दे सकता है। ठीक है, फिर बात आती है रेट की। आर मतलब होता है रेट, रेट मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दर, जो आपको प्रतिशत में देगा। दर मतलब क्या होगा, प्रतिशत। आप एक निश्चित फिक्स करेंगे कि भाई इतने पैसे के बदले मुझे इतना पैसा चाहिए, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो तय करेगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा और समय अवधि तय करेगा। ये तीनों को मिला के सूत्र बनता है, वो सूत्र बनता है आई का। आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा सूत्र बनता है जब हमको बोलेगा पी आर टी देगा और हमको ब्याज निकालने बोलेगा। तो अब सपोज हमको इसी कंडीशन पर हमको मूलधन निकालने बोलेगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू 100 होगा और नीचे होगा आर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या होगा, टी होगा। अगर सपोज हमको आर निकालने बोला है तो ये हो जाएगा आई इंटू 100 और नीचे क्या होगा, पी इंटू क्या हो जाएगा, टी। और अगर सपोज टी निकालने बोला है तो ये हो जाएगा आई इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, पी इंटू आर। तो बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो यही वाला फार्मूला है, और इसी को फर्दर एक्सपांड करेंगे जो उसके अंदर कंपोनेंट है। आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है। जो बाकी कंपोनेंट है, पी निकालना होगा, आर निकालना होगा, टी निकालना होगा, तो हमारे पास ये फार्मूला लगेगा। ठीक, अब होगा क्या कि आपने ब्याज तो निकाल लिया भाई, आपके पास मूलधन भी दिया है और आपने ब्याज भी निकाल लिया। ठीक है, 1000 रुपए के बदले आपने 100 रुपए उसको एक्स्ट्रा दिया है, तो आपने टोटल कितना रिटर्न किया, आपने 1000 तो रिटर्न किया ही है, साथ में 100 रुपए और रिटर्न किया है, तो इसका मतलब आपने टोटल 1100 रिटर्न किया है। तो वहां से बनता है ए, ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस आई होता है। ये ए है, इस ए को हम बोलते हैं अमाउंट, ए को हम बोलते हैं, ए को हम बोलते हैं अमाउंट, जिसे हम कहते हैं मिश्र धन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मिश्र धन कहते हैं, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ठीक, इसी को थोड़ा सा अगर मैं एक्सपांड करूंगा
तो P इज इक्वल टू होगा A माइनस I और I इज इक्वल टू क्या होगा A माइनस P। A माइनस क्या हो जाएगा P हमारे पास होगा, ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो बेसिकली हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और ये जो टॉपिक आपको पहले ही बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एप्लीकेशन ऑफ प्रतिशत के अंतर्गत आता है। तो पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा और एग्जाम में सपोज आपको कम समय में उसको कैसे सॉल्व करना है आपको वो भी रहेगा विथ एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि पूरे एग्जाम, पूरे टॉपिक में यही फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है। चलिए पहले प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न हमको दिया, 5% की दर से 6 साल बाद 11,000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। हमको निकालने क्या बोला है, हमको निकालने बोला है साधारण ब्याज, ठीक है, हमको निकालने बोला साधारण ब्याज कितने रुपए पर, हमको बोला है 11,000 रुपये पर कितने वर्ष के लिए, सॉरी 5% पर कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो हमको ये क्या हो गया, ये पी हो गया, ये हमारे पास टी हुआ और ये हमारे पास आर हुआ, ठीक। तो सिंपल है, आई निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बोलेगा तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये हो जाएगा पी हमको दिया है 11,000 गुणित, समय आपको दिया है 3 वर्ष, ठीक है, समय आपको 3 वर्ष दिया है, दर आपको दिया है 5%, और नीचे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 100, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक, सॉरी ये अपने पास 6 साल है ना, थोड़ा मिस्टेक, सॉरी ये जो है ना आपका समय आपका 6 साल दिया है, समय आपका क्या दिया, आपका समय आपका 6 साल दिया है ना। तो ये हो जाएगा 11,000 गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुणित 6 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये दोनों कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन तो परसेंटेज के थ्रू करेंगे तो हम ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब जो पहले साल का ब्याज होगा, जो दूसरे साल का ब्याज होगा, जो तीसरे साल का ब्याज होगा, ब्याज बराबर वही रेट पे वही कांस्टेंट चलते रहेगा। तो आपको दिया हुआ है 5% की दर से बढ़ रहा है, मतलब एक साल में जो भी राशि होगा वो 5% बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पर अवधि कितना दिया, 6 साल दिया है, 5% के हिसाब से 6 साल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया, 30% का क्या होगा वृद्धि होगा। हमारे पास मूलधन कितना दिया हुआ है, 11,000 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली इस 11,000 का हम 30% निकाल लेते हैं जो कि 3300 के बराबर है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये आपको दिया हुआ है 2 साल में 800 रुपये की राशि 880 हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज का दर क्या है। 800 रुपये कितना हो जा रहा है, 800 रुपये जो है, 800 रुपये आपका 880 हो जा रहा है, ठीक है ना, 800 रुपये बढ़ के कितना हो जा रहा है, 880 हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँगा बढ़ के उतना हो जा रहा, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा एक, ठीक है। जैसे अगर मैं बोला कि 1,000 रुपये 2 वर्षों में 1,200 रुपये हो गया, 1,000 रुपये 2 वर्षों में 1,200 हो गया, तो ये मेरा क्या होगा, पी होगा और ये मेरे पास क्या होगा, ए होगा, उस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन था हमारा, वापस इसी क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर हमको बोला है कि 800 रुपये कितना हो गया, 800 रुपये हमारे पास बढ़ के कितना हो गया, 880 हमारे पास हो गया है। तो ये पी हुआ, ये ए हुआ, पी और ए दिया तो हमको ईजिली है आई निकालने का, आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस पी, इट मीन्स 880 में से 800 गया तो कितना बचा, 80 मेरे पास इंटरेस्ट के रूप में बचा है, कितने साल का, 2 साल के लिए, कितने रुपए पर, 800 रुपए पर। इसका मतलब पी मेरे पास हुआ 800 रुपए, पी मेरे पास हुआ 2 वर्ष और जो ब्याज है, ब्याज मिला है कितना, 80 रुपए। पी आ गया, टी आ गया, आई आ गया, तो आर निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, I इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये हमारे पास सूत्र होता है। I कितना दिया है, 80 गुणित 100 बटे, P दिया है 800 मल्टीप्लाइड बाई T, कितना दिया हमारे पास 2 साल, ये कटेगा, ये कटेगा एक बार में और ये 10 बार में, और ये कट के आ जाएगा हमारे पास 5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सेकेंड वाला क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
थर्ड क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000 एट 5% फॉर द पीरियड फ्रॉम 4th ऑफ फेब्रवरी 2005 टू 18th ऑफ अप्रैल 2005। कब से कब तक लेना आपको बोला है 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक की अवधि। अब जो समय है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब समय आपको किस में दिया हुआ है, दिन में दिया हुआ है। कब से कब तक आपको दिया हुआ है, आपको दिया है 4th फरवरी से आपको कब तक दिया हुआ है 18, आपको दिया है 18th अप्रैल 2000 क्या बोल रहा है, बात सन की कर रहा है 2005 की कर रहा है, 2005 ही करेगा तो उसमें फरवरी तो लीप ईयर होगा नहीं और ये साधारण वर्ष है, तो इस कारण इस वर्ष में दिनों का संख्या क्या होगा 365 होगा। याद रखिएगा अगर आपको नॉर्मल वर्ष दे तो हम क्या लेंगे 365 लेंगे, अगर सपोज ये आपको 2008 होता है, 2004 होता है, 2020 होता है जो कि लीप वर्ष होगा, जो कि यहाँ पर क्या होगा, अगर सपोज वो लीप ईयर होगा, एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछ सकता है लीप ईयर देगा तब वहाँ पर कंडीशन क्या होगा 366 होगा, ठीक। और अगर सपोज आपको वर्ष दिए ही नहीं, आपको सिर्फ 4 फरवरी से 18 अप्रैल तक आपको दिया हो, आपको वर्ष दिया नहीं है, तो हम कंसिडर करके चलेंगे कि वो हमारे पास साधारण वर्ष है और उसमें दिन की संख्या यहाँ पर क्या होता है 365 दिन हमारे पास होता है। अब बीच में यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, बीच में हमारे पास आ जा रहा है मार्च, ठीक है। फरवरी में कुल दिन कितने होते हैं 28, 28 में से 4 गया तो कितना बचा 24, मार्च में हमारे पास कितने दिन हुए, मार्च में हमारे पास होते हैं 31 दिन हमारे पास होते हैं, और अप्रैल में समय अवधि कितना दिया हमारे पास 18 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको 4 फरवरी से 18 अप्रैल के बीच निकालना है, तो 4 फरवरी निकल चुका है तो उसके बाद 4 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक बीच में समय कितना बचा है हमारे पास, बचा है कितना हमारे पास 24 दिन बचा है। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 4 × 1 = 5, 5 और 8 कितना हुआ 13 × 3 हासिल 1, 1 और 2 = 3, 3 × 3 = 6 कितना हो जाएगा 73 यहाँ पर क्या हो जाएगा डेज होगा। हम जानते हैं आई का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं P × R × T / यहाँ पर क्या होता है 100, ये नॉर्मल। अगर सपोज आपको जो आपका टाइम दिया हुआ है ये आपका मंथ्स में दिया हुआ है, अगर टाइम आपका मंथ्स में दिया है तो इस 100 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर सपोज ये जो टाइम है ये आपको किस में दिया हुआ है, ये आपको डेज में दिया है, नॉर्मल ईयर होगा तो कितना करेंगे नीचे 65 से मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, और अगर लीप ईयर होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 366 होगा, ठीक। अब ये वर्ष हमारे पास कौन सा है, ये जो वर्ष है हमारे पास नॉर्मल वर्ष है, तो इस कंडीशन पे पी हमको दिया हुआ है, पी हमको दिया हुआ है 4000 रुपये, ये हमको पी दिया हुआ है। दर का प्रतिशत कितना दिया है हमको 5%, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। कंडीशन डेज कितना दिया हुआ है 73 हमको दिया हुआ है, और नीचे यहाँ पर क्या होगा 100 होगा, और इस 100 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 365। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको किस में दिया हुआ, हमको दिन में दिया हुआ है, ये 1 times होगा, ये 5 times होगा, ये दोनों यहाँ पर कट जाएगा, ये यहाँ पे कटेगा, ये यहाँ पे कटेगा, अल्टीमेटली फाइनली मेरे पास क्या बचेगा 40 रुपये, तो इस समय अवधि का जो ब्याज होगा वो हमारे पास क्या होगा 40 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जिस तरीके से डेज का कैलकुलेट करना बताया हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लेवल थोड़ा सा हाई करके पूछेगा एग्जाम में तो आपको ये ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों तरीका बताऊंगा, नॉर्मल तरीका बताऊंगा, और एग्जाम के टाइम में कम समय में कैसे उसको हम कैप्टिवेट कर सके वही बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। और प्लस जब मैं लाइव सेशन पे आऊंगा तो वहां पे अपने डाउट्स और क्लियर कर लेना, ताकि आपको पूरा फंडामेंटली आपका क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है पीयूष ने 4% प्रतिवर्ष की दर से 25000 रुपये की राशि का निवेश किया है, कितने वर्षों के बाद उसे 10000 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। तो वी हैड ऑलरेडी गिवन कि 10000 यहाँ पर क्या मिल रहा है, 10000 उसको इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है, कितने पर 25000 रुपये, कितने परसेंट पर 4% पर। एक और इम्पोर्टेंट याद रखना, जब भी आपको मेंशन करेगा कि ब्याज पे, ब्याज के बारे में बात होगी, जब तक कि आपको ये नहीं बोला है कि वो साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हम साधारण ब्याज को ही लेके चलेंगे, उसको याद रखना। तो हमको आई दे दिया है
हमको पी दे दिया है और हमको आर दे दिया है। तो सिंपल सी बात है, जब आर पी और आई दे दिया है तो हमको क्या निकालना है, टी निकालना है। और टी का हम सरकारी फॉर्मूला जानते हैं, आई इंटू हंड्रेड अपॉन पी इंटू आर, वी नो द फॉर्मूला। आई हमको कितना दिया हुआ है, आई हमको दिया हुआ है 10,000 हमको गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। पी हमको दिया हुआ है 25 के साथ में हमको 25,000 दिया है, और हमको आर कितना दिया, आर हमको दिया है 4। ये दोनों तीन जीरो काट लेते हैं, ये तीन जीरो काट लेते हैं, 25 कितना हो जाएगा, 100, 100 100 नमस्ते, बचा कितना 10। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। तो कितने वर्षों बाद 10,000 का ब्याज मिलेगा आपको 25,000 पर, 10 वर्ष हमारे पास आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में आंसर भी नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको बोल रहा है 5 साल के लिए किसी राशि पर पांचवा ब्याज जो है, राशि का पांचवा हिस्सा है, ब्याज दर निकालना है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 years इज 1/5 ऑफ द सम, 1/5 ऑफ द सम। लेट अस कंसीडर जो मूलधन है, जो ब्याज दिया, जिस ब्याज पे, मतलब जिस ब्याज पे जो पैसा दिया जा रहा है उसको हम ले लेते हैं पी ले लेते हैं। तो पी यहां पर क्या हुआ, पी का काम किया। अब बोल रहा है आई, आई यहां पर क्या बोल रहा है, इसका 1/5 भाग, मूलधन का पांचवा भाग बोले, इसलिए क्या हो जाएगा, पी अपॉन यहां पर क्या हुआ, 5 हुआ, ठीक है। टाइम पीरियड कितना दिया है, टाइम पीरियड हमको दिया हुआ है 5 years हमको दिया हुआ है, और हमको पता करना है कि रेट ऑफ परसेंट पता करना है। रेट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू 100 होता है। तो आई कितना दिया है, पी अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या हुआ 100। मूलधन क्या दिया है, पी दिया हुआ है इंटू यहाँ पर टी कितना दिया है 5, तो नीचे यहाँ पर क्या लगा देंगे 5। पी पी कैंसर, 5 एक बार में, 5 20 बार में, ये एक बार में और ये 4 बार में, तो ब्याज का दर कितना आ गया हमारे पास, कितना आया 4%, ठीक। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड, ठीक। एग्जाम टाइम में जल्दी कैसे करना है, ये हमको दिया है, हम जानते हैं बात प्रतिशत की होती है, परसेंटेज, तो कंप्लीट परसेंट कितना होता है 100 होता है। ये कितना भाग दिया आपको, 1/5 भाग दिया है मल्टीप्लाइड बाय 1/5। कितने वर्ष के बारे में बात हो रही है, 5 वर्ष। अगर आपको यहाँ पर वर्ष देगा तो ब्याज प्रतिशत निकालने बोलेगा, और ब्याज प्रतिशत देगा तो आपको दर निकालने बोलेगा, ठीक है। 5 से 1 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 4 बार में, तो हमारा जो उत्तर आया है ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 4%, ये हमारा आंसर होगा। ध्यान से देख लो, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ेंगे, इसी चलते हुए स्क्रीनशॉट ले लो, और सेम पैटर्न में हम अगले क्वेश्चन में भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5/4 ऑफ इटसेल्फ इन 5 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 वर्षों में एक धन अपना 5/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज का दर निकालना, ठीक। समय हमको दिया है, 5 वर्ष हमको दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में याद रखना, अगर आपको समय का अवधि देगा तो आपको ब्याज दर निकालने बोलेगा, ब्याज दर निकालने बोलेगा, ब्याज दर दे रहेगा तो आपको समय निकालने बोलेगा, कॉन्सेप्ट सेम वही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पी को मैं अगर पी मान लिया तो ए कितना हो जाएगा, ए जो होगा वो होगा 5/4p, या फिर 5p/4, क्योंकि बोला है ना अमाउंट्स कितना हो जा रहा है, 5/4 ऑफ इटसेल्फ हो जा रहा है हमारे पास। अब टी हमको दिया है तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी होता है। इसका मतलब 5p/4 माइनस पी, लघुत्तम आया हमारे पास 4 और ऊपर में 5p-4p इक्वल टू p/4। ये हमारे पास फाइनली क्या आया है, हमको आई आया हमारे पास आ गया, ठीक है। निकालने हमको क्या बोला है, हमको निकालने बोला ब्याज का दर निकालने बोला, मतलब हमको आर फाइंड करने बोला है। आर का फॉर्मूला अपन जानते हैं, आर इक्वल टू आई अपॉन 100, आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। टी कितना दिया हमारे पास, 5 दिया हुआ है, 4 एक बार में, 4 25 बार में, पी पी कैंसल, 5 एक बार में, 5 5 बार में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ 100 into। अब बात परसेंटेज का, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि कंप्लीट परसेंट कितना होता है, 100% हमारे पास होता है। ए कितना है, 5/4, ए कितना है 5/4। तो डायरेक्टली आई निकालने का सबसे आसान तरीका है, दोनों के बीच में कितने का गैप है, एक का गैप है, तो 1/4। तो इसको मल्टीप्लाई किससे किए, 1/4 से मल्टीप्लाई किए। स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ, ध्यान से देखना। और हमको क्या दिया, वर्ष दिया कितना 5, तो नीचे क्या कर दिए 5, 5 चौक कितना हुआ 20, 20 एक बार में, 20 5 बार में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5%। ध्यान से देखना, और जो कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट टिंग बताया उसको ध्यान से देखना। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि कितने वर्षों में 8% की दर से कोई धन अपना 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा मतलब थ्राइस हो जाएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ एट 8% पर एनम। लेट अस कंसीडर पी एस पी, मतलब मूलधन को हम पी मान लेते हैं और वो धन अपना 3 गुना हो जा रहा है, तो मतलब जो ए है ना वो ए कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, 3p आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो आई होगा, आई इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी होता है, इसका मतलब 3p माइनस क्या होगा पी, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2p, हमारे पास आई का वैल्यू हमारे पास हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आई आ गया है, और हमको दिया है आर दिया है, हमने आर भी हमको दिया हुआ है और हमको पी भी अब दिया हुआ है, तो सिंपल सा हमको टी निकालना है। तो टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी निकालने का फॉर्मूला अपन जानते हैं, आई इंटू 100 2p इंटू 100, आई इंटू 100 अपॉन यहाँ पर क्या होता है पी इंटू आर। पी हमको दिया है, आर हमको कितना दिया है, आर हमको दिया है 8। पी कैंसिल किए एक बार में और यहाँ पर 4 बार में, 4 एक बार में, 4 25 बार में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के बारे में बात हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कंप्लीट परसेंट कितना होता है 100, 100 कितना हो जा रहा है 300, 100 कितना हो जा रहा है 300 आपके पास हो जा रहा है। ठीक है, तो 100 से 300 हुआ कितना बड़ा है हमारे पास, 200 बड़ा है। कितने साल में, कितने परसेंट पर, 8% पर, तो 8 से डिवाइड कर दिए तो हमारा आंसर कितना आ गया 25 साल। अच्छा, अगर सपोज ये आपको प्रतिशत में दिया है तो हमने यहाँ पर क्या निकाला है, वर्षों में निकाला है, और अगर सपोज ये आपको 8% की जगह आपको 8 वर्ष देगा, तो उस कंडीशन पे ये जो 25 वर्ष आया है ये आ जाएगा 25%। क्लियर हुआ, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। आई अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। If this investment were made at the rate of 6% higher, then rupees 144 would have been more than the original interest. Find the amount. एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्षों के निवेश किया गया। यदि 6% अधिक निवेश किया होता, 6% की दर पर अधिक दिया होता, तो अपने क्या पर क्या 144 अधिक मिलता है। सिंपल सी बात है, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अधिक करेंगे तो आपको जो एक्चुअल इंटरेस्ट मिलना था उससे आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा, आपको अधिक मिलेगा। क्लियर हुआ। अगर सपोज आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर क्या किया, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया, मतलब जो आप नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहे थे उसकी जगह आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर ले रहे हैं, उस कंडीशन पे तो जो आपको इंटरेस्ट मिलना वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको यहां पर क्या मिलेगा, वो आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रुपए कम ज्यादा है ना, ये इंटरेस्ट कम ज्यादा है, तो ये जो रुपए कम ज्यादा है ना, रुपीज कम ज्यादा है, ये आपका इंटरेस्ट का काम करेगा, वो आपको आई का काम करेगा, और जो परसेंट आपको कम ज्यादा है, जो आपका परसेंटेज कम ज्यादा है, वो आपका आर का काम करेगा। तो इसीलिए जो आई है वो हमारे पास हुआ है 144, आर हमको दिया है कितना परसेंट, हमको दिया है 2%, और समय का अवधि हमको यहाँ पर कितना दिया है, समय हमको दिया है कितना, सॉरी आर हमको, सॉरी सॉरी आर हमको दिया है 6%, आर हमको दिया है 6% और समय हमको कितना दिया है 2 ईयर्स, टी यहाँ पर कितना दिया हमारे पास 2 ईयर्स हमको ये दिया।
आई आ गया, आर आ गया, टी आ गया, तो सिंपल सी बात है, पी निकालना है. पी इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन, ये दोनों हमारे पास है. ये कितना हो गया, 12. 12 का ये वर्ग है, 12 गुने 100 कितना हो जाएगा, 1200. ये हमारे पास आंसर आ गया. चलिए अगले प्रश्न में आते हैं. ये आपको बोल रहा है, रमेश ने साधारण ब्याज पर 6% की दर से महेश से 7000 रुपये लिया. 2 साल बाद उन्होंने 5000 रुपये का भुगतान किया और एक घड़ी दी, क्योंकि वह पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थ था. तो घड़ी का मूल्य निकालना. रमेश ने लिया कितना रुपये था, रमेश ने लिया था 7000 रुपये. कितने साल के लिए, 2 साल के लिए. क्या ब्याज पर दर लिया था, 6% की दर पर लिया था. तो इसका मतलब उसे ब्याज कितना पटाना था, 7000 रुपये का 6% की दर पर 2 साल का जो ब्याज है उसको पटाना था 840 रुपये ब्याज के तौर पे पटाना था. 840 रुपये उसको कैसे पटाना था, ब्याज के दर पर पटाना, ब्याज के तौर पर पटाना था. और वो लिया पैसा कितना था, 7000. तो जब उसको रिटर्न करेगा तो इस 7000 में उसका ब्याज मिला के 840, मतलब उसको 7840 उसको एक्चुअली में रिटर्न करना था. लेकिन हुआ क्या, उसके पास कुछ विपत्ति आ गई या कुछ काम हो गया, इस कारण क्या किया, उसने पूरा पैसा दे नहीं पाया. उसने क्या किया, 5000 रुपये दिया. कितना दिया है, 5000 रुपये दिया है. और साथ में क्या दिया है, साथ में उसने अपना घड़ी दे दिया और बोले हिसाब बराबर. वही बंदा मान लिया तो उसको ये, उसको तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उसको जो पैसा देना था 7840, वो जो पैसा दिया है और जो घड़ी दिया है दोनों मिला के बराबर हो जाएगा, तभी तो हिसाब बराबर हुआ. तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो जब इस घड़ी का मूल्य निकालने बोलूँगा तो यहाँ पर इसको इससे माइनस किया तो उस कंडीशन पे कितना आया, 3840. तो उस घड़ी का मूल्य बोलेगा तो वो हमारे पास हो जाएगा 3840. चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं. अच्छा यहीं से मैं आपको एक और नया क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है. ए ने साधारण ब्याज पर बी से 10% पर ऋण लिया. इस शर्त पर लिया कि हर साल 2% बढ़ जाता है. यदि पहले वर्ष में ब्याज का दर 6% था तो 3 वर्ष बाद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है. हर साल कितना बढ़ रहा है अपने पास, 2% बढ़ रहा है, ठीक है. हर साल 2% बढ़ रहा है. तो पहले कितना रुपये है आपके पास, 10000 रुपये उसने लिया है, ठीक है. बात कितने साल का हो रहा है, बात 3 साल का हो रहा है, ठीक है. 3 साल के बारे में बात हो रहा है. तो पहले साल वह कितना परसेंट दिया है, 6% की रेट पर दिया. तो उसने पहले साल कितना ब्याज दिया, पहले साल उसने 10000 का 6% की दर पे, एक ही साल है ना, एक ही साल में दे रहा है. तो पहले साल उसने कितना दिया है, पहले साल उसने 600 रुपये दिया. अब हर वर्ष 2% बढ़ रहा है, हर वर्ष यहाँ पर क्या हो रहा है, 2% आपका बढ़ रहा है. तो अगर पहले साल 6% दिया है तो दूसरे साल कितना परसेंट दिया है, 8% दिया. दूसरा साल बोल रहा हूँ, 2 सालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ दूसरा साल. तो मतलब एक ही साल के बारे में बात हो रहा है. तो इस कंडीशन पे यहाँ पर वो ब्याज कितना दिया, यहाँ पर ब्याज दिया उसने 10000 × 8 × 1/100. तो यहाँ पर आपको इसने कितना दिया है, 800 रुपये दिया है. अब हर साल बढ़ रहा है, हर साल 2% बढ़ रहा है. तो जो तीसरे साल होगा, तीसरे साल वो कितना परसेंट देगा, 10% देगा. इसलिए यहाँ पर ब्याज कितना दिया है, 10000 × 10 × 1/100 यहाँ पर क्या हुआ, 100 यहाँ पर हुआ, कट गया. तो यहाँ पर उसने ब्याज कितना दिया है, यहाँ पर उसने ब्याज दिया है 1000 रुपये. तो कुल जो ब्याज है ना, कुल जो ब्याज है वहाँ पर कितना पैसा दिया है, जो कुल ब्याज है उसने वहाँ पर 2400 रुपये दिया है, ठीक. कुल ब्याज के रूप में कितना दिया है, कुल ब्याज के रूप में यहाँ पर उसने दिया है 2400 रुपये, ठीक है. ब्याज के रूप में 2400 रुपये दिया है. तो 1000 रुपये के बाद उसको टोटल राशि निकालना, अपने को टोटल कितना भुगतान किया था वो निकालना है. तो उसने लिया कितना था, उसने 10000 रुपये लिया था, 2400 मिला के दिया है. इस 10000 में 2400 मिला के दिया है ना, तो इसलिए टोटल उसको कितना पे करेगा, 12400 ये हमको पे करेगा. ये हमारा आंसर, क्लियर हुआ, ठीक. अब इसी को हम एक और चीज देखते हैं. यहां पर क्या बोल रहा है, ब्याज का दर क्या अलग अलग दिया,
पहले साल कितना परसेंट है? 6%। दूसरे साल कितना परसेंट है? 8%। और तीसरे साल कितना परसेंट है? 10%। तो मतलब टोटल मिला के उसने तीन साल में उसने 6, 8, 14 और 10 कितना परसेंट दे दिया? उसने टोटल 24% दिया है। कितना दिया है? 24%। ठीक है, 24% पर ब्याज दिया है, 24% ब्याज दिया है। ठीक, परसेंटेज हम टोटल लेके चलते हैं, 100% लेके चलते हैं, तो 24% ब्याज मिला के दिया है, तो टोटल वह कितना पैसा दिया है? 124% दिया है। कितने का? 10,000 का 124% उसने टोटल दिया है। तो इंटू यहाँ पर कर लेंगे 10,000, 120% निकालना, ये दोनों कट जाएगा, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा? 124,000, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अक्सर एक और तरीके से पूछ सकता है, वो इस रूप में आ सकता है, वो ये आपका बोलेगा कि सपोज मैंने किसी से 5,000 रुपये उधार लिया है, मैंने किसी से 5,000 रुपये लिया है और ब्याज का दर है, ब्याज का दर मैं बोला कि भाई पहले साल के लिए ब्याज का दर 10% था और दूसरे साल के लिए ब्याज का दर मैं बोला 20% और तीसरे साल मैं ब्याज के लिए दर यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? 25%। इससे पहले क्या होता था? आपको जो ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कांस्टेंट होता था सभी साल के लिए, यहाँ पर क्या होता? समान होता। अब वेरिएट हो रहा है, हर साल अलग अलग मिल रहा है। तो पहले साल आपका 10% है, दूसरा 20% और तीसरा 25%। मतलब मैंने तीन सालों में टोटल कितना परसेंट दिया? तीन सालों में टोटल आपको दिया मैंने 10, 20, 30 और 25। मतलब टोटल तीन सालों में मैंने 55% रूप ब्याज के रूप में दिया है। कितने पैसे पर? 5,000 पर। तो मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? इंटू यहाँ पर 5,000 करूँगा, ये कट जाएगा, 55 × 5 हो जाएगा 2750, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, कभी कभार आपको ऐसा ही बोल सकता है कि औसतन एक साल में ब्याज कितना दिया, औसतन एक साल में ब्याज कितना दिया। अगर आपको सपोज बोलेगा औसत एक साल का ब्याज कितना है, तो 2750 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। और अगर बोलेगा कि औसत ब्याज का दर ज्ञात करो, तो हमने 55% पूरे तीन साल का निकाला था, 55 / 3 आपका ये भी हो जाएगा। बहुत बार आपको ये भी बोल सकता है कि औसतन एक साल का ब्याज कितना होगा, या औसतन एक साल का जो ब्याज का दर होगा वह कितना होगा, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जो पहले आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया था ना, डबल ट्रिपल वाला, वही कॉन्सेप्ट हम याद करें। ठीक है, पहले आपको बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर आपको कैसे आप तुरंत कर सकते हो बताता हूँ। ये आपको दिया साधारण ब्याज, किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाएगा। 10 वर्षों में क्या हो जाएगा? स्वयं का दुगुना हो जाएगा। यह राशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में होगी? तो मतलब अंत में हमको यहाँ पर क्या निकालना है? समय निकालना, वी हैव टू फाइंड द टाइम। ठीक है, पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि मनी डबल हो जा रहा है कितने साल में? 10 साल में। अगर मैं सपोज पी को पी लिया, तो ए कितना हो जा रहा है? ए हो जा रहा है 2p। इस कंडीशन पे आई कितना हो जाएगा? 2p - p हमारे पास होगा, तो इक्वल टू पी बी की आई कितना आ गया? पी आ गया। कितने साल पर डबल हो रहा है? 10 साल पे। तो टी कितना हो गया? टी हमारे पास हो गया कितना? 10 वर्ष हमको हो गया। तो देखिए पी आ गया है, आई आ गया है, टी आ गया, तो पहला काम हमको क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज का दर निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो आर का फॉर्मूला जानते हैं, आई इंटू 100, आई यहाँ पर दिया है पी इंटू 100, आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू क्या होता है? टी। पी आपको पी ही दिया है और टी आपको 10 दिया है, ये कटा ये कटा। तो हम ये समझ गए ब्याज का दर कितना दिया है, ब्याज का दर 10% हमको दिया हुआ, हमने ब्याज का दर निकाले 10%। ठीक, ये हमारे पास पहला कंडीशन हमारे पास आ गया। अब हमको अगला कंडीशन ये बोल रहा है कि यह राशि स्वयं का 3 गुना कितने समय में हो जाएगा। स्वयं का 3 गुना मतलब अब मेरे पास जो पी है ना वो पी ही है, और जो ए है वो कितना हो जा रहा है? 3p, क्योंकि 3 गुना हो जा रहा है, मतलब स्वयं का 3 गुना तो 3p हो जाएगा। तो जो आई होगा, आई कितना होगा? 3p - p इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा 2p, आई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा हमारे पास। ठीक, समय बोल रहा है, तो हम क्या, हमको यहाँ पर टी निकालना है, और हमने आर तो निकाल लिया है। आर हमने कितना निकाला है? हमने आर निकाल लिया है भाई, कितना परसेंट? 10%। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है टी,
तो टी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू हंड्रेड। आई यहाँ पर क्या दिया है, आई हमको दिया है टू पी, टू पी इंटू हंड्रेड, आई इंटू हंड्रेड, पी इंटू हंड्रेड। पी तो आपको पी ही दिया हुआ है, और सपोज यहाँ पे आर हमको यहाँ पर कितना दिया, टेन, तो टेन से मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हुआ, और हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ध्यान से देख लो, ठीक। चलो अब छोटी विधि में आते हैं, कैसे एग्जाम टाइम इसको समझेंगे, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हमको बोला है 100 कितना हो जा रहा है, 200, 100-200 हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 की वृद्धि हो रही है, कितने साल में, 10 वर्षों में 100 की वृद्धि हो रही है, क्योंकि हमको दिया हुआ है। अब हमको बोला है कि ये जो 100 है ना, 300 हो जाएगा कितने वर्षों में, तो 100 से बढ़त कितने को हो गया 300 में, तो 200 का हो गया। 100 में 10 वर्ष लग रहे हैं, तो 200 बढ़ने में कितने वर्ष लगेंगे, सिंपल है, 20 वर्ष लगेगा, और हमारा आंसर 20 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुमन ने कुछ धन पहले 3 वर्षों के लिए 6% पर, अगले 5 वर्षों के लिए 9% पर, और उससे ऊपर के समय के लिए 13% पर उधार लिया। यदि 11 वर्ष के अंत में उसने कुल 8,160 रुपये का सरल ब्याज लिया हो, तो उसे कितना धन उधार लिया, मतलब उसने जो पैसा टोटल लिया हमको निकालना है। ऐसा मान लेते हैं कि उसने पी पैसा उधार लिया, मतलब पी पैसा जो प्रिंसिपल था, पी पैसा उसने उधार लिया। कंडीशन रखा हुआ है, टोटल कितना कंडीशन रखा है, टोटल उसने कंडीशन रखा है 11 साल का कंडीशन रखा, मतलब 11 साल के लिए उसने लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, इसने लिया है कि पहले यहाँ पर क्या बोला है, पहले तीन वर्षों के लिए कितना परसेंट है, 6%। फिर यही मूलधन को अगले कितने साल के लिए, अगले 5 साल के लिए कितना प्रतिशत, कितना, 9%। तो देखिए 3 और 5 यहाँ पर कितना हो चुका है, 8 साल हमारे पास हो चुका है, और हमको बोला है कि 5 साल के बाद उसकी बाद की अवधि के लिए, मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स 13% फॉर द पीरियड अबाउ, उसके बाद का जो भी समय होगा उस समय के लिए ब्याज का दर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 13%। और टोटल 11 साल के बारे में बात हो रही है, 3 साल और 5 साल मतलब 8 साल गुजर चुका है, तो बचा हमारे पास कितना, हमारे पास बचा 3 साल, इसी पी पर दे रहा है, और हमको कुल ब्याज जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8160 मिल रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ, यहाँ पर ब्याज प्राप्त हुआ पी इंटू 3 × 6/100, ये पहला ब्याज हुआ। दूसरा जो ब्याज हुआ पी इंटू 5 × 9/100, ये दूसरा ब्याज मिला, प्लस पी इंटू 3 × 13/100, ये हमको ब्याज मिला। और ऐसा करने के बाद इन सब का जो टोटल ब्याज है वो 8160 मिल रहा है। सभी में कॉमन यहाँ पर क्या है, 100, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 18p, 9 × 5 = 45p, 13 × 3 = 39p = 8160। सबको प्लस किए तो 8 और 5 = 13, 13 × 9 = 22 का 2 हासिल, 2 × 1 = 3, 3 × 4 = 7, 7 × 3 = 10, तो 102p = 8160 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, 100। अगर यहाँ पर p को बचाया तो इस 102 को नीचे लेके आएंगे, इस प्रकार नीचे लेके आ गए और ये कट गया, बचा 80, 80 × 100 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8000 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मूलधन जिसने उसने उधार लिया था वो कितना हो गया, 8000 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताता हूँ। अब 3 का 6%, 18%, 5 वर्षों के लिए 9%, 45%, और 13 वर्ष के लिए 3%, तो कितना हुआ, 39%।
तो टोटल उसने कितना पैसा दिया है? टोटल अगर मैं देखा तो उसने कितना परसेंट दिया है? टोटल 102% दिया है ब्याज के रूप में। कितना परसेंट दिया है? 102%। तो पी का जो 102% है ना, वो 8160 के बराबर है। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 81। जो पी होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 8160। इसका जो 100% का वो यहाँ पे चले जाएगा और नीचे में क्या लग जाएगा? 102। ये कट जाएगा कितने बार में? 80 बार में। ऑटोमेटिकली हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8000। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं। एट अ रेट ऑफ सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट आ सम बिकम्स 1350 रुपीज इन 5 ईयर्स एंड 1260 इन 8 ईयर्स, वी हैव टू फाइंड द सम। यहाँ पे हम दोनों चीज़ समझेंगे, ब्याज का दर भी निकालना और मूलधन भी निकालना, ठीक है। देखिए, ये हम जानते हैं कि आपका जो पैसा बढ़ता है वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ता है और मूलधन के हिसाब से बढ़ता है, और ब्याज यहाँ पर क्या होता है? कांस्टेंट होता है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो मान लो स्टार्टिंग में एक धनराशि थी, वो धनराशि थी एक्स रुपए। ये एक्स रुपए क्या हो गया है? ये जो एक्स रुपए है ना, ये जो है ये 5 वर्षों में बढ़ के 1350 रुपए हो गया। मतलब 5 वर्षों में 1350 हो गया, मतलब 5 वर्ष का ब्याज मिला के 1350 रुपए हो गया, ठीक है। और फिर अगेन ये 8 वर्षों में कितना हो गया है? ये 8 वर्षों में हो गया है 1620 रुपए बढ़ गया। मतलब 5 साल में आपके पास इतना मिला है और 8 साल तक, तो मतलब बीच में 3 साल हुआ। बीच में यहाँ पर कितना हुआ? 3 साल हुआ। 3 साल में ब्याज एक्स्ट्रा मिलके तो कितना हुआ? 1620 हुआ है ना। तो 3 साल का जो ब्याज एक्स्ट्रा मिला के यहाँ से यहाँ तक पहुँचा वो कितना रुपए है? वो है आपका 270 रुपए। माइनस पे 270 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 साल का जो इंटरेस्ट है ना, 3 साल का जो इंटरेस्ट बढ़ के कितना हुआ है? 270। तो इसका मतलब 1 साल का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 270/3, कितना हो जाएगा? 90 रुपए। इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना कि 1 साल का जो ब्याज है वो आपका कितना हो जा रहा है? 90 रुपए आपका 1 साल का ब्याज के रूप में हो रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। हम यहाँ से 0 वर्षों से शुरुआत करते हैं, तभी तो 5 साल तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर कितना वर्ष बढ़ा है? 5 वर्ष। मतलब जो पैसा आपके पास इनिशिएट में स्टार्टिंग में जो एक्स रुपए था वो पैसे में 5 साल का ब्याज मिला के 1350 रुपए हुआ है। कितना? 1350। अब 1 साल का ब्याज 90 रुपए है, तो इन 5 साल का जो ब्याज है, इस 5 साल का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 450 रुपए। मतलब यहाँ पे जो धनराशि थी ना, वो राशि 450 रुपए बढ़ के कितना हो गई है? 1350 रुपए हो गई है। तो शुरुआत में जो धनराशि होगी उसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 900। हमारे पास 900 क्या आ गया? मूलधन हो गया, वह जो पैसा उधार लिया गया था, उधार दिया गया था, ठीक। अब अगर सपोज सेम क्वेश्चन में हमने यहाँ तो ये निकाल लिया है, क्या निकाल लिया? मूलधन निकाल लिया है। अब अगर सपोज बाई चांस आपको यहाँ पर पूछता है कि आपको उसमें ब्याज का दर भी निकालना होगा, तो ये होगा कि पी हमने निकाल लिया है कितना? पी हमने निकाल लिया है 1200 रुपए। हमारा आंसर पहले 900 आ चुका है, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर आ चुका है, हम आगे फर्दर देख रहे हैं, ठीक। पी हमारे पास कितना हो गया? 900 रुपए। हम बात इंटरेस्ट का कर रहे थे, इंटरेस्ट कितना मिला था? 90 रुपए। कितने साल के लिए? कितने साल पर? हमको 1 साल का बोला था ना, 1 साल का हमने कितना निकाला? 90 रुपए निकालना है, तो ब्याज का दर निकालना है। आर इज इक्वल टू आई इंटू 100, ये हम जानते हैं। पी कितना दिया है? 900 × 1, ये कटा एक बार में और ये 10 बार में। तो उस कंडीशन पे अगर बोलेगा ब्याज का दर, तो वो हमारे पास हो जाएगा 10%। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पी हैज़ 8000 रुपीज, 8000 रुपये है। वह इस पैसे को साधारण ब्याज पर आर को देता है और 5 साल बाद दुगनी राशि प्राप्त करता है। यदि ब्याज दर पिछले से 5% अधिक होता तो कितने वर्षों में यह राशि 2 गुना हो जाएगा? समझ में आए? तो क्वेश्चन पढ़ के हम इक्वेशन बनाते हैं कि हमारे पास 8000 रुपये
पी के पास 8,000 रुपये है, वो आर को दे रहा है, तो आर क्या कर रहा है, 5 साल बाद उसको कितना दे रहा है वापस, उसको दुगना दे रहा है, तो 8 है ना, कितना दे रहा है वो उसको रिटर्न, 16,000 रिटर्न कर रहा है, मतलब जो पी हुआ ये और टोटल रिटर्न कितना कर रहा है 16,000, तो जो आई बन रहा है, आई का कंडीशन ए माइनस पी, मतलब 16,000 माइनस 8,000 ही आपको दे रहा है, कितना हो गया आई, कितना हो गया 8,000 रुपये दे रहा है, कितने वर्षों में, 5 साल में, टी कितना हुआ 5 वर्ष, यहाँ तक कंडीशन क्लियर हुआ, हमको कितना टी कितना दिया हमको 5 वर्ष हमको यहाँ पर दिया हुआ है, तो उस दर पर हमको आर निकालना है, तो आर कितना होगा, आर हमारे पास कितना हो जाएगा, आर जो होगा हमारे पास, आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू क्या होता है 100, आई हमको कितना दिया हुआ है, आई हमको दिया हुआ है 8,000 हमको दिया हुआ है, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या होगा 100, और नीचे क्या होगा पी कितना दिया हमको 8,000 रुपये दिया है, और साथ में समय कितना दिया 5 वर्ष, तो उस कंडीशन पे ये दोनों यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ पर क्या है आर कितना आया 20%, कंडीशन क्लियर हुआ, तो पहले कंडीशन हमने यहाँ पर क्या निकाला, इस 5 साल का जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकाला हमने 20% निकाला है, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन बोल रहा है ना, सेकंड कंडीशन हमको ये बोल रहा है कि अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से अधिक होता, 5% अधिक होता, तो कितने वर्षों में यह राशि दुगनी हो जाएगी, सेम वही बोल रहा है कि मतलब 8,000 कितना हो जा रहा है 16,000 हो जा रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, आपको इंटरेस्ट 8,000 ही मिलेगा, बस फर्क यह है कि पहले आपको 20% पर दे रहा था और अब आपको 5% अधिक पर दे रहा है, तो उस पर अब ब्याज दर कितना परसेंट हमारे पास 25% है, ठीक, हमको समय निकालना है, तो टी का फॉर्मूला हम जानते हैं, टी का फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू 100, तो आई हमको 8,000 दिया है इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिए, ठीक है, पी कितना दिया, पी हमको 80,000 दिया होगा, अब थोड़ा कंडीशन चेंज है, पहले 20% अब कितना परसेंट है 25% है, तो ये दोनों कटा और ये हमारे पास कितना आ गया 4 वर्ष, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमको इतना तामझाम नहीं करना है, ठीक है, ये एग्जाम में कंफ्यूज किया अपने को इतना तामझाम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक, क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इजी तरीके से, क्या हमको पैसे से मतलब ही नहीं है, हमको दिया है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 5 साल बाद क्या हो जा रहा है दुगना हो जा रहा है, मतलब 100 कितना हो जा रहा है 100 हो जा रहा है 200 कितने साल पर 5% पर सॉरी 5 वर्षों पर, ये हमको दिया है, तो हम समझ गए 100 का वृद्धि हो रहा है कितने साल में 5 साल में, तो यहाँ पर कितना आ गया 20% हमारे पास आया, पहला कंडीशन क्लियर हुआ, कितना आया हमारे पास 20% आया। अब ऐसा बोला कि 5% बढ़ गया है, 5% बढ़ गया है और जो पैसा है ना वो आपका कितना हो रहा है दुगना ही हो रहा है ना, तो 100 कितना हो जा रहा है 200 ही हो रहा है, तो कितनी बढ़त हुई 100 की बढ़त हुई, और यहाँ पर परसेंट कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, तो 20 और 5 कितना हुआ 25, और ये हमारे पास कितना आ गया 4 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हम टिक कर देंगे, तो यहाँ पर पैसे का बात नहीं होगा, बहुत बार एग्जाम में क्या होता है हमको सिंपल होता है उसको हम कॉम्प्लिकेट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस चीज़ को याद रखना, ये आपको दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम विल बी 500 रुपीज आफ्टर 10 ईयर्स इफ द प्रिंसिपल इज मेड 4 टाइम्स आफ्टर 5 ईयर्स व्हाट बी द विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10th ईयर, ठीक है, अच्छा हम ये जानते हैं अगर सपोज मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ा है, अगर आपको ब्याज का दर जो परसेंट अगर आपका बढ़ेगा तो आपको इंटरेस्ट भी क्या होगा आपको अधिक मिलेगा, अगर सपोज प्रिंसिपल भी आपका क्या होगा जो आपका प्रिंसिपल दिया जो आपका मूलधन दिया अगर आपका मूलधन भी बढ़ेगा तो आपका ब्याज भी यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, तो ये हम जानते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है ना वो पी पे आर पे और टी पे डिपेंड होता है, क्योंकि इसी से फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट इसी पे डिपेंड होता है, अगर इसमें किसी का वैल्यू बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी जो इंटरेस्ट होगा वो भी यहाँ पर क्या होगा बढ़ेगा, 10 साल का कितना हो जा रहा है साधारण ब्याज कितना दे रहा है 500,
दस साल का जो ब्याज है, दस साल का ब्याज कितना दिया है? 500 रुपए। तो एक साल का ब्याज कितना हुआ? एक साल का ब्याज 500 बटे यहां पर क्या हो जाएगा? 10। तो एक साल का ब्याज कितना हुआ? 50। एक साल का ब्याज कितना हुआ हमारे पास? 50 हुआ। अब कंडीशन बोल रहा है कि 5 साल के बाद मूलधन को चौगुना कर रहा है। 5 साल बात कर रहा है, मतलब 5 साल तक नॉर्मल कंडीशन से ही चल रहा है। तो एक साल का ब्याज कितना है? 500। तो 5 साल का जो ब्याज होगा, 5 × 50 कितना हो गया? 250। यहां तक क्लियर हुआ? 5 साल का ब्याज कितना हुआ हमारे पास? 250 रुपए 5 साल का ब्याज हुआ। अब टोटल ब्याज कितना था? 500। 500 में 250 ब्याज के रूप में निकल चुका है, तो बचा कितना है हमारे पास? 250 रुपए और बचा है। ठीक है, कंडीशन बोल रहा है कि 5 साल के बाद कितना हो जा रहा है? चौगुना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? चौगुना हो जा रहा है। अब मान लो प्रिंसिपल अगर चौगुना हो गया है, तो जो आपको इंटरेस्ट मिलना था वो भी तो चौगुना हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड किस पे होगा? इंटरेस्ट आपका इसी पे डिपेंड है, आपका चौगुना हो जा रहा है। तो बचा कितना है? 250 रुपए। पहले आपको 500 था, अब 250 बचा है। अब जो इंटरेस्ट होगा ना, 250 बचा है, वो कितना हो जाएगा? आपको 4 गुना मिलेगा। तो अब आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? आपको 1000 मिल रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? 1250 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा 1250। ठीक है, बहुत बार क्या करेगा आपको, इस प्रिंसिपल की जगह आपको ये भी बोल सकता है कि अगर सपोज मैंने क्या कर दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया है, या जो समय अवधि है, समय अवधि को डबल कर दिया, मतलब ये भी आपको पूछ सकता है, तो याद रखना इसको। ये हमारा आंसर होगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ऑन अ सर्टेन सम 1/3 इज इंटरेस्टेड एट 3%, 1/6 एट 6% एंड द रेस्ट एट 8%। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम ऑल दिस इन्वेस्टमेंट इज ₹900, फाइंड द ओरिजिनल सम। थोड़ा सा अपन इसको सिंपल कर लेते हैं, इसको पूरा लेने के बजाय इसको और एकदम सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे देखना, आपको 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज कितना मिला है? 900। अगर मैं बोला कि 3 साल का जो ब्याज है वो आपको 900 है, तो एकदम सिंपल है कि 1 साल का ब्याज कितना होगा? 300 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना दिया हुआ है? 300 रुपये। ठीक है, अब सर्टेन सम, हम मूलधन जानते नहीं है, तो मूलधन कितना ले लेते हैं? पी। पहले 1/3 को दिया है कितने परसेंट पर? 3% पर। मतलब पी बटे 3 को दिया है कितने परसेंट पर? इसको दिया है 3% पर। पी बटे 6 को दिया है कितने परसेंट पर? 6% पर। अभी हमने समय यहाँ पे पूरा नेगोशिएट कर दिया है, हमने 3 साल का 900 के ब्याज की जगह उसको नेगोशिएट करके क्या कर दिया? 1 साल के ब्याज को हमने कर दिया कितना रुपये? 300 रुपये हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब पी बटे 3 निकल चुका है, पी बटे 6 निकल चुका है, तो पी के लिए जो बाकी जो पैसा बचा वो कितने परसेंट पर दे रहा है? 8%। जो बाकी पैसा बचा है ना, 8% पर दे रहा है, लेकिन कितना पैसा बचा हम ये जानते नहीं है। तो पी में से ये दोनों पैसा निकल चुका है, तो पी में से पी अपॉन 3 माइनस पी अपॉन 6, तो इसका मतलब नीचे यहाँ पर 1 हुआ, ये हमारे पास 6 हुआ, तो ये हो जाएगा 6p माइनस 2p माइनस 1p। इसका मतलब यहाँ पर ये कितना हुआ हमारे पास? हुआ 3p अपॉन 6, ये कट जाएगा और p अपॉन 2 बचेगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पर p अपॉन 2 पैसा बचा है कितने परसेंट पर? 8% पर। समय अपन जानते हैं 1, तो उससे मतलब नहीं है। अब इसका जो ब्याज है, ये पहला कंडीशन, इसका ब्याज निकालते हैं। तो पहले कंडीशन पे अगर मैं उसका ब्याज निकाला 1 साल का, तो ये होगा पी अपॉन 3 × 3 × 1/100। ये पहला है। दूसरा जो ब्याज है वो है पी अपॉन 6 × 6 × 1/100, ये दूसरा है। और तीसरा है पी अपॉन 2 × 8 × 1/100, ये हमारे पास तीसरा होगा। और ऐसा मिला के पूरा ब्याज कितना मिल रहा है? 300। अगर हम यहाँ पर 3, 3 और 3 लेना चाहे, तो उस जगह 300 की जगह हम यहाँ पर क्या लेंगे? 900 लेंगे। इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पर ये सब कटा, ये सब कटा, ये सब कटा, ये कट के यहाँ पर 4 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर पी बचा है, यहाँ पर पी बचा और यहाँ पर 4p बचा, तो मतलब 6p अपॉन, नीचे में सब में कॉमन यहाँ पर क्या है? 100, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा?
300 हमारे पास बचेगा, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 इंटू 100 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 6, तो एक बार में और ये 50 बार में, 50 गुनी 100 कितना हो जाएगा, 5000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मूल राशि बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 5000, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रेशियो से मिला जुला है, ठीक है। ये रेशियोज अपने पास हमको निकालने क्या बोला है, एक्स इज टू वाई निकालने बोला है, ठीक। ये हमको निकालना है। अच्छा ऑप्शन थोड़ा सा कर लीजिए, तो ऑप्शन थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है। द ऑप्शन इज 2:3, इट्स 3:2 एंड 4:3, ठीक है। पर्सन अगला क्वेश्चन का उसमें ऑप्शन आ गया, ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो यहाँ पर बोला 5 साल के लिए 9% साधारण ब्याज पर रुपए एक्स निवेश किया गया है और वाई रुपए 4 साल के लिए 7.5% पर ब्याज पर दिया गया, ठीक है। यदि समय अवधि के अंत में दोनों पर समान ब्याज मिलता है, दोनों का ब्याज यहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 5 ईयर्स का निकालते हैं एक्स का, तो यहाँ पर जो पहला ब्याज होगा एक्स इंटू क्या होगा, एक्स ही रुपए है ना, ठीक है। तो पहला जो ब्याज है ना उसको हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स इंटू 9 × 5/100, ये आपका पहला ब्याज है। जो दूसरा ब्याज है वो आपका 7.5 है, कितने साल के लिए, यहाँ पर 4 साल के लिए, ठीक। कितना रुपए, कितना रुपए हमको दिया है, वाई हमको दिया है, और ये कितना हो जाएगा 100, ये दोनों यहाँ पर कटा, तो ये यहाँ पर बचे कितना बचेगा, 45x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा 30y बचेगा, ठीक है। एक्स इज टू वाई निकालना, तो यहाँ पर क्या कर लिया हम, x अपॉन वाई कर लिए, और यहाँ पर क्या हुआ, 30/, यहाँ पर क्या हुआ, 45 हुआ, 15 से काटे तो कितना हुआ, 2/3, इसका मतलब एक्स इज टू वाई हुआ, ये हमारे पास कितना हुआ, 2:3, ये हमारे पास रेशियो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज 4/25 ऑफ द प्रिंसिपल, और यहाँ पर क्या बोला है कि आपको यहाँ पर एक कंडीशन बोल रहा है कि यहाँ पर कि ब्याज का दर और वर्षों में जो संख्या है ना वो आपको सेम बता रहा है। ये जो वर्ड है ना यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंटेटिंग, ये आपको बहुत बार क्या करेगा, इंग्लिश में आपको बोल सकता है कि न्यूमरिकल वैल्यू, ये आपको बोल सकता है न्यूमरिकल वैल्यू इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, रेट और टाइम दोनों यहाँ पर क्या होता है, बराबर होगा। अगर सपोज मैं रेट को 4% लेता हूँ ना, तो टाइम को ही मुझे 4 ईयर्स लेना पड़ेगा। अगर सपोज मैं रेट को 8% लेता हूँ, टाइम को मुझे 8 ईयर्स ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से हम मान लेते हैं आर और टी दोनों किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। आपको बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 भाग है, तो मतलब अगर सपोज पी यहाँ पर पी हुआ तो आई कितना हो जाएगा, 4p अपॉन क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। निकालने हमको क्या बोला, हमको निकालने बोला है वर्ष, ठीक है। वर्ष हमको क्या निकालने बोला, हमको निकालने बोला यहाँ पर वर्ष निकालने बोला है। तो फॉर्मूला अपन जानते हैं टी का, टी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू 100 अपॉन यहाँ पर क्या होता है, पी इंटू आर, मतलब ये हो जाएगा 4p अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर p इंटू, अब जो यहाँ पर दिया है ये दोनों वैल्यू इक्वल है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे x, और ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। pp यहाँ पे कैंसल, 25 एक बार में, 25 चार बार में, 4 चौक क्या बचेगा, 16 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वर्ग, और ये x का वैल्यू किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगर बोलेगा कि कितने वर्ष बोला है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष, और अगर बोलेगा ब्याज का दर निकालना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको ध्यान से देख लो, फिर आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक। अच्छा, जब भी आपको यहाँ पर क्या बोलेगा, ब्याज दर और वर्षों में समय को दर्शाने वाली संख्या बराबर है, मतलब जितना भी आपका रेट होगा वही आपका टाइम होगा, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आपका जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन देगा, जो भी आपका फ्रैक्शन देगा उसको अंडर रूट लगा लेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 10 यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कंप्लीट परसेंट जानते हैं क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट परसेंट 100 होता है, और अंडर रूट लगाएंगे 100 का तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन कितना दिया है, फ्रैक्शन हमको दिया है 4/25 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो
तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 गुणित क्या हो जाएगा, 10। एक बार में, दो बार में, दो दुनी कितना हुआ, 4। और ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? ये था हमारा 18th नंबर। ठीक, 19th वाला देखते हैं। अच्छा, अगर आपको इंटरेस्ट दिया है, पी आपको दिया है और आपको टी दिया है, अगर आपको आई दिया है, पी दिया है और टी दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या निकालने बोलेगा, या तो आर निकालने बोलेगा या तो ए निकालने बोलेगा, ये हम जानते हैं। ठीक, ये चीज़ को याद रखना है ना। अब बोला है 3000 रुपये के लिए 1500 रुपये पर दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया, 13.50 रुपये। ठीक है, हमको ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। देखो, आई देगा तो आर और ए निकालने बोलेगा, ये कंडीशन देगा, लेकिन हमको यहाँ पे जो दिया है ना, वो हमको क्या दिया है, आई का क्या दिया हुआ है, आई का दोनों के ब्याज का अंतर निकालने बोला है। तो जब ब्याज का अंतर निकालने बोलेगा तो हमको पूछेगा भी क्या, बोलेगा कि दोनों के बीच का दर का अंतर क्या होगा, ये निकालना होगा। तो ये जो अंतर होगा ना, ये हमको आई की तरह एक्ट करेगा। तो उस सिनारियो में जो आई होगा वो होगा 13.50। ठीक है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमको फाइंड करने बोला है। टी हमको दिया हुआ है 3 वर्ष और आपको पी आपको दिया हुआ है 1500, ये कंडीशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू क्या हो जाएगा 100, आई इंटू 100, मूलधन कितना दिया 1500, गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा 3000। 3 साल ही दिया है ना आपको, यहाँ पर कितना दिया अपने बस, हाँ 3 साल के बारे में बात कर रहा है। ये यहाँ पे कैंसल होके यहाँ पे 00 हो जाएगा, ये इस प्रकार कटा 15 से 9 बार में, 15 से 10 बार में, 3 1 बार में, 3 3 बार में, तो इस प्रकार अंत में 3/10 बचेगा और ये हो जाएगा 0.3। तो दोनों के बीच के जो ब्याज का जो दर का अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 0.3%, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ये लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक आदमी ने 16000 रुपये की कीमत वाला एक टीवी खरीदा, वह 4000 रुपये एक बार में चुकाता है और बाकी 15 महीने बाद देता है, जिस पर उसे 12% की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। तो टीवी की कुल राशि का भुगतान आपको करना है। देखिए, आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको 15 महीने, समय की अवधि किस में दिया है, समय की अवधि आपको महीने में दिया है। ठीक है, समय की अवधि आपको महीने में दिया है, ये हम समझ गए। ठीक है ना, किस में दिया, माह में दिया। अब ये जो पैसा है ना 16000 रुपये, ये क्या होगा, जो ब्याज लगेगा इस कंप्लीट 16000 पर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वो तो 4000 पटा चुका है भाई, 4000 तो पहले पटा चुका है ना, तो इसका तो ब्याज देगा नहीं, इसका ब्याज देगा नहीं। तो 16000 में से 4000 गया तो ब्याज किस पे देगा, इस 12000 पे देगा। किस दर पर दे रहा है, बंदा 12% की दर पर दे रहा है, कितने माह के लिए दे रहा है, 15 माह के लिए दे रहा है। तो ये हम जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन आई इंटू 100। अब 100 आ गया, साथ में यहाँ पर क्या है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर महीनों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ ये दोनों कटेगा और यहाँ पे ये दोनों कटेगा। ठीक है, तो बचा यहाँ पर कितना, 120 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये कितना हुआ, 1800 रुपये वो यहाँ पर क्या होगा, ब्याज के तौर पे देगा। अब 4000 तो पटा चुका है, 16 में 4 तो पटा चुका है, तो इसका मतलब वो 12000 तो और पटाना बचा उसको, और साथ में ब्याज के रूप में 1800 और पटा रहा है, इसीलिए इन सब का जो योग होगा 17800 रुपये होगा, जो वह अंत में पटाएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जो अगला वीडियो आएगा वो किस पे आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएगा। याद रखना, जो परसेंटेज है वो हमेशा क्या होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के अंतर्गत आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े ना, इसको हम परसेंटेज के तौर पर ही पढ़ें, और SICI भी हम क्या करेंगे, उसको एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देन थैंक्स अ लॉट।